आज हम आए हुए तकड़िया गांव में और ये हमारे साथ प्रधान जी हैं जो भावी उम्मीदवार हैं, पहले भी सरपंच रह चुके हैं, आइए करते हैं इनसे बातचीत। प्रधान जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने वाले हो सरपंच बनने के बाद दोबारा? भाई, शिक्षा के क्षेत्र में धनराज अपने पंचायत को गांव में इकट्ठा करके कह रहे हैं, भाई स्कूल अगर जनसंख्या बच्चों की कम होगी तो स्कूल बंद किए जाएंगे। तो अपनी पंचायत गांव को इकट्ठा करके उसमें जो असुविधा उनको पूरी की जाएगी और अपने सरकारी स्कूल को जब तक रहा अपनी कोशिश करेंगे कि इसको हम हाई स्कूल तक करवाएं। अपने स्कूल में पूरे बच्चों को, मास्टर को जो सुविधा उन बच्चों के लिए होनी चाहिए हम उनको पूरी करें और बच्चों को बड़ा बड़ा चढ़ा पूरे गांव में इकट्ठा करके दाखिले ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। खेल के क्षेत्र में क्या करने वाले? खेल के क्षेत्र में अब की बार स्टेडियम का निर्माण अपने गांव में, जो खेल की सुविधा, जैसे मेरे गांव में कबड्डी के अच्छे प्लेयर आप अच्छे खेलते हैं उनके लिए मैट की सुविधा और जो चीज़ कोच की, एक पहली बात तो कोच की हम आगे अपनी मांग रखेंगे, हमारे गांव में कोच का प्रबंध किया जाए और जो खेल की सुविधा चाहिए उनके लिए उनको पूरी मिले। खेल के अलावा और जैसे गरीबी रेखा से नीचे जो आदमी हैं और जिनके मकान नहीं, उनके लिए क्या करने वाले? भाई धनराज, अपनी यह चीज है, जैसे हम अब बेरोजगारी का तो आपने पता है अपना हरियाणा पहले नंबर पर गांव में, ये बीपीएल का सर्वे हो चुका है, बीपीएल का सर्वे हमारे गांव में हो चुका है। मेरी जब तक यही कोशिश रहेगी मेरे गांव में जो बेरोजगार है, गरीब आदमी है, उसको नरेगा का कार्य बढ़ चढ़ कर मिले और अपने गांव में साफ सफाई विकास कार्य बहुत बढ़ चढ़ कर। जैसे को धनराज अपने माँ अपने पिछले प्लान की बताता हूँ, मेरी माता जी सरपंच थी, हमारे दादा श्याम जी की हमारे यहाँ मानता है पूरी, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व तो उन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए थे, गाँव में इकट्ठा किया। मेरी एक ही कोशिश रहती है, अगर मैं अपने गाँव में कोई विकास कार्य करूँ तो अपने गाँव को इकट्ठा करता हूँ, उनसे पूछा भाई अगला कार्य गांव में क्या किया जाए। मेरे गांव ने कहा भाई हमारी मानता है, हमारा मंदिर श्याम जी का जिसमें पानी लगते हुए जोड़ का दरारें आ चुकी थी, मतलब गिरने की स्थिति में था, तो गांव ने कहा था इसका भर्त किया जाए और इसकी चार दीवारी किया जाए। मैंने सबसे पहला कार्य यही किया था कि उसका भर्त करवाया और उसकी चार दीवारी करे, जिसमें गांव का बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान रहा। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे गांव के 10-20 घर पीछे खेतों में बना रखे हैं जो वहाँ रिहायश रहते हैं, वहाँ भी बड़ा कीचड़ रहता था। मेरे गांव में पानी की बारिश में होने के बाद पानी की ज़्यादा भर जाता है तो उनको बहुत परेशानी होती है, और रोड पक्का किया पूरा उनके घर तक। फिर हमारे यहाँ एक लेटड़ा बोलते हैं जो आबादी के बीच में, जिसमें यहाँ भी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, गांव के कहने के बाद पूरा कब्जा डीसी साहब के पास गए, वो कब्जा खाली कराया और वहाँ एक बहुत बढ़िया चौपाल बनाए जिसमें ब्याह शादी के प्रोग्राम होते हैं और गांव ने वहाँ 50 पेटे लगाए। आप जाके देख सकते हो जो आज बड़े बड़े हो चुके हैं। मेरे गांव के शादी के प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हुआ वो हमारे गांव के वही करते हैं।